पहले आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हैं, जिसमें बुलडोजर पर चढ़े हुए लोग हाथ हिलाते हुए हेलो हाय करते हुए दिख रहे हैं। जो ये वीडियो है बुलडोजर वाला, ये सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई काम्या पंजाबी भी अपना बयान दी है। उनको लेकर ट्रोल किया जा रहा था, काम्या सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी के बाप से नहीं डरते। तो आज इस वीडियो में दो चीजें जानेंगे कि काम्या ने ऐसा क्यों कहा कि किसी के बाप से नहीं डरते, और ये आखिर काम्या है कौन, काम्या पंजाबी कौन है। और दूसरा, बुलडोजर का जो वीडियो कांग्रेस ने शेयर किया है, तो उसने शेयर कर ऐसा क्यों लिखा कि बुलडोजर पर भी अब मोहब्बत का रंग चढ़ चुका है। इसी दो चीज़ों को आज इस पूरे वीडियो में समझेंगे। वैसे तो राहुल गांधी के कई सारे वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन इस बीच ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जो बुलडोजर पर लोग चढ़े हुए हैं और हाय हेलो कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा कि अब तो बुलडोजर पर भी मोहब्बत का रंग चढ़ चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, तब से बुलडोजर खूब चर्चा में है। राज्य में विवाद हो, अतिक्रमण हो, या फिर किसी अपराधी पर कार्रवाई करनी हो, एक्शन की बात हो, तो बुलडोजर जरूर आता है। इस तरह से योगी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने के नाम पर इन दिनों बुलडोजर खूब तेजी से दौड़ा रहा है। सभी पुलिस बलात्कार के आरोपियों, रेप के आरोपी हो या कोई क्रिमिनल्स हो, उन सब पर बुलडोजर लेकर खड़ा रहते हैं। वहीं हत्या के आरोपियों के घर पे भी बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर पॉलिटिक्स को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने बुलडोजर का ये वीडियो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से शेयर किया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने ये यात्रा के दौरान वीडियो शेयर किया, जिसमें लोग हाय हेलो करते हुए दिख रहे हैं, और साथ में लिखा कि अब इस यात्रा में बुलडोजर पर भी मोहब्बत का रंग चढ़ चुका है। हालांकि राहुल गांधी जब से यूपी में यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ रॉ के पूर्व चीफ, विपक्ष का आशीर्वाद मिला और कुछ अभिनेत्रियों का भी साथ मिला है। काम्या पंजाबी और रितु शिवपुरी भी उनमें से एक हैं जो यात्रा में शामिल हुई। ये वही रितु शिवपुरी हैं जिन्हें आप गोविंदा की फिल्म आंखें में देखे होंगे। यात्रा में काम्या ने अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि यह कैसा कैसे सबके लिए जरूरी हो जाता है। काम्या ने कहा कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। काम्या अपने इस पूरे यात्रा में शामिल होने को लेकर अपना अनुभव शेयर किया और उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही अच्छी पहल है। मुझे पता था कि अगर मैं इससे जुड़ती हूँ तो मुझ पर कई सवाल उठाए जाएंगे। मैं बता दूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं। दरअसल उन्हें अपनी जिंदगी में कोई स्ट्रेस, प्रॉब्लम और खासकर सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं चाहिए। कई स्टार्स इस पर यकीन करते हैं और वो अपनी आवाज बुलंद भी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। आज के डेट पर हमारा सोशल मीडिया इतना टॉक्सिक हो गया है कि आपको रेप की धमकी मिल जाती है, जान से मारने की धमकी मिल जाती है। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने विचार को लेकर इतने वोकल रहे। रही बात मेरी, मैं थोड़ी अलग किस्म की हूँ, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में वो चीजें की हैं जिस पर यकीन किया है। भारत जोड़ो यात्रा पर मुझे यकीन है। राहुल जी का साथ देने पर मैं किसी के बाप से नहीं डरती। वीडियो में देखा गया होगा कि मैं राहुल जी से कितनी बातें कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। 43 वर्षीय काम्या कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। काम्या पंजाबी 2013 में बिग बॉस सीजन 7 में हिस्सा लेने के बाद चर्चा में आई थी। टेलीविजन शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं। काम्या ने अस्तित्व एक प्रेम कहानी, बनू मैं तेरी दुल्हन, मर्यादा, लेकिन अब तक, क्यों होता है प्यार, पिता का घर जैसे फेमस टेलीविजन शो में भी काम कर चुकी है। काम्या सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है, और एक बार वो शादी के बाद अपने पति के साथ ऐसा फोटो शेयर कर दिया था सलब डांग के साथ, जिसकी वजह से भी वो खूब चर्चा में रही थी। काम्या की शादी साल 2020 में हुई थी। काम्या पंजाबी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता भी है।
लेकिन ब्रेक के बाद राहुल गांधी 3 जनवरी से 3 दिनों के लिए यूपी में भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस दौरान भी कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उसमें से शामली में एलम कस्बे में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, उस दौरान राहुल गांधी के साथ 2.5 फीट का अजीम मंसूरी भी पहुंचा था उस यात्रा में और उनकी भी फोटो सामने आई। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सरूरपुर में एक भाषण दिया जो ज्यादा चर्चा में है। राहुल गांधी ने शादी का घोड़ा कह के मीडिया पर भी तंज कसा। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है, वैसे इनकी लगाम है। लगाम लगी है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं वो लगाम खींचते बस रुक जाते हैं एकदम। अच्छा ये मत सोचिए कि ये बोलना नहीं चाहते हैं। मेरे पास आते हैं कहते हैं राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं भैया डरो मत बोल दो। कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें, अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे किसी और को डाल देंगे, वो झूठ बोलेगा। तो यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। अब राहुल गांधी की यात्रा दूसरी बार हरियाणा में है। पहली बार दिसंबर में कन्याकुमारी से दिल्ली आते वक्त हरियाणा से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी और उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक था और ब्रेक के बाद अब फिर से दिल्ली से कश्मीर जाते वक्त यूपी होते हुए हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा है। इसके बाद पंजाब में यात्रा होगी और 1 दिन के लिए हिमाचल में भी ये यात्रा गुजरेगी। इसके बाद 30 जनवरी को ये यात्रा जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराकर इस यात्रा का समापन का घोषणा करेंगे। ये पूरी यात्रा 3500 किलोमीटर की यात्रा है। 150 दिनों का ये यात्रा कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ भारत में नफरत और महंगाई के खिलाफ शुरू किया था। देखते रहिए न्यूज़ तक।